बच्चों, वेलकम टू कॉस्मोनॉट इंटरनेशनल स्कूल। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सिक्स्थ क्लास साइंस लेक्चर। सो आज हम साइंस का चैप्टर नंबर सेकंड है, कंपोनेंट ऑफ फूड, वो वाला चैप्टर स्टडी करेंगे। सो आपको पता है कि आपकी जो समर वेकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है और अभी आपके डेली का होमवर्क आया करेगा। तो जितना भी आपको होमवर्क दिया जाता है वो सारा का सारा आप अपने बुक में राइट करके और उसको जो अपनी ऐप है उसके अंदर क्या करेंगे, वापस होमवर्क भेजेंगे ताकि चेक किया जाएगा आपका हर रोज़ का होमवर्क, कौन कौन कर रहा है और कौन कौन नहीं कर रहा है। ठीक है, उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर, दैट इज़ कॉम्पोनेंट ऑफ फूड। सो लेट अस लर्न अबाउट वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन फूड, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल एंड विटामिन, रफेज एंड वाटर, बैलेंस्ड डाइट एंड डेफिशिएंसी डिजिट्स। सो ये इतने टॉपिक हैं, दीज टॉपिक वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर्स। सो इन टॉपिक को हम इन चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नाउ फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड कंसिस्ट ऑफ वेरियस केमिकल सब्सटेंस दैट वी नीड फॉर आवर एनर्जी टू ग्रो एंड रिमेन हेल्थी। दीज केमिकल सब्सटेंस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। तो देखो, फूड जो है वो हमारी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। सारे के सारे जो लिविंग बींग्स हैं उनके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, फूड है। इसके अंदर बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिससे हमारे को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, और जो एनर्जी हम यूज करते हैं ग्रो के लिए और हेल्दी रहने के लिए। ठीक है, दीज केमिकल फूड सब्सटेंस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और इन केमिकल सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। इनटेक ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिशंस। सो जो इन न्यूट्रिएंट्स को जब हम अंदर लेके जाते हैं, इनटेक का मतलब अंदर लेके जाना अपनी बॉडीज के अंदर, ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशंस। सो आपको क्या करनी है, दो डेफिनेशन लिखनी है। कहाँ से, एक तो डेफिनेशन लिखनी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट बोलते हैं। और इनटेक है जो न्यूट्रिएंट का, यहाँ से यहाँ तक, ये न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको दोनों में, दोनों कॉपी में क्या करनी है, राइट करनी है। द स्टडी ऑफ द रोल ऑफ डिफरेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द डाइट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। फॉर डिटरमाइनिंग द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ डिफरेंट कॉम्पोनेंट ऑफ डाइट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म। देखो, जो स्टडी है जिसके अंदर क्या क्या रोल है डिफरेंट कंपोनेंट का, जो डाइट लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। और हम डिटरमाइन करते हैं कि क्या क्या जो न्यूट्रिशन वैल्यू है डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ डाइट की, डिफरेंट मतलब एक्सपेरिमेंट फॉर्म करके और उनकी वैल्यूज़ को, न्यूट्रिशन वैल्यू का क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, मतलब कौन कौन से केमिकल सब्सटेंस में कितनी न्यूट्रिशन वैल्यू है। सच एक्सपेरिमेंट इंक्लूड फीडिंग डाइट लैकिंग इन वन और मोर कॉम्पोनेंट इन ऑर्गेनिज्म सच एज रैट्स। जो ये पहले जो हमारे जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं ये सारे के सारे किन पे होते हैं, रैट्स पे होते हैं। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ सच ए डाइट ऑन द हेल्थ ऑफ ए रैट इज स्टडीड फॉर ए लॉन्ग टाइम। सो जितने भी हम इफेक्ट देखते हैं कि अगर हम इस न्यूट्रिएंट्स की कमी लाएंगे तो क्या होगा, इस न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा, ये सारे के सारे रैट्स पे देखे जाते हैं। और उसमें जो इफेक्ट रैट्स पे मतलब लॉन्ग टाइम के लिए देखते हैं और उसकी हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, जिससे हमारे को पता लगेगा कि किस तरीके से हम जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको किस अमाउंट में लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, क्या हमारे लिए ये बेनिफिट है या नहीं है, क्या ये हमारे लिए बेनिफिट नहीं है। तो ये लॉन्ग टाइम के लिए एक स्टडी की जाती है। ठीक है, द फीडिंग्स ऑफ दीज स्टडीज आर फर्दर वेरीफाइड बाय ह्यूमन वॉलंटियर हु पार्टिसिपेट इन सच एक्सपेरिमेंट। और बाद में जो ये स्टडी होती है, पहले किस पे, रैट्स पे होने के बाद में ह्यूमन पे खुद पे होती है। ठीक है, तो उसमें क्या किया जाते हैं, कुछ वॉलंटियर्स डिसाइड कर लिए जाते हैं जिसमें से क्या करेंगे, 100% या 200% लेंगे और स्टार्टिंग में उनके ऊपर भी वही एक्सपेरिमेंट करेंगे जो रैट्स पे किया गया, और उसके बाद में उसी को एक्सपेरिमेंट को मतलब उतना ही टाइम और देंगे और ह्यूमन पे भी देखेंगे कि एक्चुअल में क्या इफेक्ट होता है। कई बार क्या होता है कि रैट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता लेकिन ह्यूमन बॉडी पे ज़्यादा उसका इफेक्ट रहता है, तो वो भी हमारे को चेक करना होता है।
ऑन द बेसिस ऑफ दीज सच स्टडीज साइंटिस्ट हैव फाउंड दैट ए बैलेंस्ड डाइट इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। तो देखो इन जो स्टडी की ये साइंटिस्ट ने जो जितनी भी स्टडी की इन्हीं के बेस पे एक बैलेंस्ड डाइट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। तो बैलेंस्ड डाइट हमारे लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है अगर हमारे को गुड हेल्थ रखनी है अपनी, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि हम डिजीज़ फ्री रहे हमारा शरीर जो है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी जो जितनी भी है वो अगर डिजीज़ फ्री रहे और हेल्थी रहे तो उसके लिए बैलेंस्ड डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। और ये बैलेंस्ड डाइट का पता कैसे लगेगा, ये साइंटिस्ट ने हमें ऑलरेडी बता रखा है कि किस तरीके से हम बैलेंस्ड डाइट कर सकते हैं, जो हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी भी करेंगे कि किस तरीके से बैलेंस्ड डाइट की जाती है। तो ये किसके बेस पे बताया गया साइंटिस्ट ने, ये एक्सपेरिमेंट के बेस पे बताया गया, ठीक है। ए बैलेंस्ड डाइट इज वन दैट प्रोवाइड एन एडिक्यूट अमाउंट इनटेक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ। सो बैलेंस्ड डाइट में क्या होता है, एक एडिक्यूट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स का इनटेक होता है। एडिक्यूट अमाउंट मतलब एक प्रॉपर अमाउंट के अंदर हमारा जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका इनटेक होता है हेल्थ एंड ग्रोथ के लिए। सो ये हमारी होती है बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट को पे आप आगे फर्दर भी और डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ योर टूडेज होमवर्क, यू हैव टू राइट दीज टू डेफिनेशन, वन फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड सेकेंड फ्रॉम हेयर टू हेयर। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड सेकेंड डेफिनेशन इज़ द न्यूट्रिएंट्स। और उसके बाद में आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट बैलेंस्ड डाइट अबाउट बैलेंस्ड डाइट। सो दिस इज द बैलेंस्ड डाइट, ठीक है, ये आपको बैलेंस्ड डाइट की होगी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्पोनेंट ऑफ फूड। सो द सेवन कॉम्पोनेंट आर प्रेजेंट इन फूड, दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल, फाइबर एंड वाटर्स। सो देखो जब हम फूड लेते हैं अंदर तो वही हमारा एनर्जी में कन्वर्ट होता है और वही हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो उसके कंपोनेंट देखने हैं कि फूड में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो फूड में मेनली सेवन कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल, फाइबर एंड वाटर्स। सो इन सेवन कंपोनेंट की अब हम वन बाय वन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में इन सेवन कंपोनेंट की हम जो स्टडी है वो क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे, कंटिन्यू करेंगे। आपको क्या करना है, कंपोनेंट ऑफ फूड है ये भी आपको क्या करना है, राइट करने हैं अपनी कॉपी में, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ फूड ये कहाँ से कहाँ राइट करने हैं आपको, यहाँ से यहाँ तक, दीज आर द कॉम्पोनेंट ऑफ फूड। सो इन सेवन कॉम्पोनेंट की आपको लिस्ट बनानी है एक, ये कॉम्पोनेंट ऑफ फूड हो जाएगा। दिस इज योर टूडेज होमवर्क एंड दिस इज द एंड ऑफ योर लेक्चर। यू हैव टू कम्प्लीट योर होमवर्क डेली एंड सेंड इट ऑन आवर ऐप। जो ये डेली का होमवर्क आपके पास आ रहा है ये आपको कम्प्लीट करना है और इसको डेली जो अपने स्कूल की ऐप है उसके ऊपर क्या करना है, आपको सेंड करना है। जो बच्चा सेंड करेगा उसी के मार्क्स लगेंगे, जो सेंड नहीं करेंगे उनके मार्क्स नहीं लगेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ योर लेक्चर, थैंक यू।